यही जगमीत सिंह, अगर आप देखें तो इनकी हुई है जम के जग हसाई। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल ऐसी है जैसे एक फिल्म थी शोले, जिसमें कहा जाता था बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। दरअसल जगमीत सिंह ने कहा भारत पर सैंक्शन लगाया जाए। I mentioned very severe sanctions on Indian diplomats. जस्टिन ट्रूडो साहब ने इंडिया पे कह दिया कि हम 6 डिप्लोमेट्स की डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन विड्रॉ करें, हमने इनसे सवाल जवाब करने हैं, उन्होंने डिप्लोमेट्स ही बुला लिए। मोदी गवर्नमेंट हैज बी हेल्ड टू अकाउंट, ऑल ऑफ अस हैव टू बी यूनाइटेड इन डिनाउंसिंग मोदी एंड मेकिंग श्योर वी प्रोटेक्ट कैनेडियंस एंड पुट देयर सेफ्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है, बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700, 700 एक्टिव शूटर्स। लेकिन जब रिपोर्टर ने वापस सवाल किया तो वो वहां से हो गए 9-2-11। जी हाँ दोस्तों, भाग गए। और उसके बाद रिपोर्टर्स ने की जम के खिंचाई। अमेरिका और भारत में बड़े ड्रोन समझौते को लेकर इस वक्त ये खबर है, जहां अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन भारत खरीदेगा। मुनव्वर फारूकी, उसकी भी जो है वो नेक्स्ट टारगेट है। वो डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें, तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल ऐसी है जैसे एक फिल्म थी शोले, जिसमें कहा जाता था बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। इस वक्त कुछ वैसे ही मामला नजर आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। कहा जा रहा है कि बेटा सो जा वरना लॉरेंस बिश्नोई आ जाएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई लॉयर टर्न गैंगस्टर, वो गैंगस्टर वो बन चुका है ये लड़का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके पास 700 शूटर्स हैं, 700 शूटर्स हैं। और कैनेडा और इंडिया के बीच जो इस वक्त झगड़ा चल रहा है निजर किलिंग के बारे में और ताल्लुकात खराब हुए पड़े हैं, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। और जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है, यानी जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ कहा वो तो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और बता चुके हैं, सुनवा चुके हैं। लेकिन इस वक्त कैनेडा की तरफ से ये कहा गया है कि जो वहां पर खालिस्तानियों को जो कत्ल करने वाला है वो लॉरेंस बिश्नोई है, यानी कैनेडा में जो कत्ल हुए हैं उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी के साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की वारदातें होती रही हैं और जो कत्ल होते रहे हैं और हुए हैं, जिसके बारे में कहा गया कि ये गैर मुल्की काम है या कोई बाहर से आकर कर रहा है, वो कत्ल भी उसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है। तो हमने कहा जरा इसके ऊपर एक देख लिया जाए कि वो लॉरेंस बिश्नोई जिसके ऊपर राम गोपाल वर्मा ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई किसी भी मोस्ट गुड लुकिंग हीरो से ज्यादा गुड लुकिंग है, और राम गोपाल वर्मा जो लॉरेंस बिश्नोई पर ट्वीट करते हैं वो 6 मिलियन व्यूज उसको मिलते हैं। कैन यू इमेजिन, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो बंदा है इसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त कहां पर है। दूसरी तरफ एक और जो है वो धमाका हो गया, और वो धमाका ये है कि इंडिया ने 31 प्रीडेटेड ड्रोन जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं, डील हो गई है। ये इसको कहते हैं 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन, हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हिल ड्रोन जिन्हें कहते हैं, ये आप समझ लें कि 2018 में बात चली थी दोनों मुल्कों, 2018 में 2018 में, और आज क्या है 2024 का एंड हो रहा है। तो इंडिया और ये मतलब आप देख लें कि 3 साल वो और 4-7 साल बाद अमेरिकन इतनी मुश्किल से चीजें देते हैं इंडियंस का। वन ऑफ द प्रॉब्लम जो इंडियंस कहते हैं वो यही है कि अमेरिकन की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या अमेरिकन जो चीज हमने लेनी होती बहुत टाइम लगा के देते हैं, ये एक चीज जो है वो सामने आई है। इससे क्या होना है, डेफिनेटली इंडिया की सर्वेलेंस बेहतर होगी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बेहतर होगी, किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। चाइना के खित्ते में डोमिनेंस बढ़ती जा रही है एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड। अब देखिए 2018 में ये चीज इंडिया को परेशान करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया चाहता है कि उसकी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो सारी की सारी डाइवर्सिफाइड हो, दे मस्ट नॉट डिपेंड बी डिपेंडेंट ऑन
जो क्या नाम है उसका इसराइल, इसराइल से भी ड्रोन लिए हुए हैं इंडिया ने। और वो आपको पता है इसराइल जो है इसराइल से रेंट पे ड्रोन ले लेते हैं, जैसे इंडिया जो है वो लीज पे सबमरीन लेता रहा है, इस तरह रेंट पे जैसे गाड़ी लेते हैं आप किसी बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे गए गाड़ी ली वहां से 2 दिन के लिए 3 दिन घूमे घुमाए वापसी गाड़ी की चाबी दी जहाज पे बैठे जान अगले डेस्टिनेशन पे चले गए। इंडिया ऐसे भी करता है कि अब दैट इज बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एमरजेंसी है ना, दैट्स व्हाई इंडिया हैज टू बाय दिस। सो इंडिया ने यह मुआहदा कर लिया कि अब जो है क्योंकि इंडिया ये समझता है कि रशिया लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है, बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700, 700 एक्टिव शूटर्स हैं। ये एक फोन बताता है यहां पे किसी का हेलो हाँ हाँ ठीक है ठाएं ऑफ गुड नाइट, ये चल रहा है यहां पे। कनाडा की सरकार ये कह रही है कि भारतीय गवर्नमेंट का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक गठजोड़ है, ये तो कह रहा है वो भारतीय सरकार का, यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पर भी पूरी पृथ्वी में पूरी दुनिया में भारत का कोई भी दुश्मन हो जिसको रॉ को ऑफ करवाना हो, रॉ बोलती है लॉरेंस बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई वहां पे ऑफ करवा देता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई रॉ के लिए काम कर रहा है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, जो खुल के नहीं बोलेगा आपको कोई, मैं आपको खुल के बता रहा हूं ये लोग बोल कह रहे हैं, और यही गाना धीरे धीरे पाकिस्तानी गा रहे हैं। और आज से नहीं गा रहे, आप बोलोगे जी 14 अक्टूबर को ये मामला आउट हो गया था तब से पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी कुछ समय से खुसफुसाहट कर रहे हैं। इसके अंदर मिसाइल फिट होते हैं, या आप किसी भी टारगेट करना चाहेंगे, आप जिसको भी टारगेट करेंगे उसको सिर्फ ये नहीं है कि ये लोकेट करके देगा ड्रोन, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो मिसाइल फिट है वो सीधा जाएगा और जाके उसको निशाना बनाएगा, उसका बचना फिर ऑलमोस्ट क्या 100% इम्पॉसिबल होगा। इसका सबसे बड़ा सबसे बड़ी जो अलार्मिंग सिचुएशन है ये चाइना के लिए, चीन के लिए जो है ये एक बहुत अलर्ट करने वाली बात उनके लिए, इसलिए क्योंकि चीन को पता है और इंडिया का सबसे बड़ा जो राइवल है ऑब्वियसली वो चाइना है, तो वो सीधा सबसे पहले निशाना तो भारतीय जो है वो उस तरफ बांधेंगे, उसी तरफ रखेंगे कि जिस तरफ वो है चीन। अब दूसरा आपको पता ही है, मतलब जितने भी पड़ोसी हैं हम क्या ही बताएं, आप खुद जानते हैं बेहतर जानते हैं कि कहां कहां लगेंगे। जैसे कि जब वहां के 400 जब उन्होंने लिए थे रशिया से तो उनको कहां फिट किया उन्होंने, आपने देख ही लिया। इसी तरीके से ये भी जो है जाहिर है उसी तरफ जो है वो वैसे ही देखें, जो ड्रोन होते हैं वो तो दूसरे तरीके से किए जाते हैं ना, निशाना बनाए जाते हैं। तो ये एक बड़ी डील जो कि इंडिया और यूएस के बीच हुई है वो हमने बता दी। आप जानते हैं कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी जब आए हैं अमेरिका, तो वहाँ पर जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होनी थी, तो उससे पहले से ही ये वाली जो है एक परचेज, ये इसकी चीज़ें सामने आ रही थी कि ये मुआहदा होने जा रहा है, ये अग्रीमेंट होने जा रहा है, और अक्टूबर में कहा गया कि अक्टूबर में ही होगा। तो देखिए हो गया, ये अक्टूबर में हो गया। शोएब, हमारे भारत में फिलिस्तीन जिंदाबाद लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में अवेसी नारा देते हैं, हमारे भारत में अफजल गुरु के नाम पर अब्दुल्ला परिवार आज भी आंसू बहाता है, हमारे भारत में कांग्रेस यासीन मलिक को आज भी जेल से छुड़वाना चाहता है, हमारे भारत में ISIS के समर्थक आज भी हैं, हमारे भारत में हसन नसरुल्ला के समर्थन निकले ही थे, अभी कुछ दिन पहले निकले थे उसकी मौत पर, हमारे भारत में अलकायदा की मेंबर मुस्कान रह रही थी, बस रही थी, खा रही थी, पी रही थी, हमारे भारत में अगर ईरान के आतंकी मारे जाते हैं तो यहाँ छाती पीटी जाती है, अगर पाकिस्तान के आतंकी मारे जाते हैं तो भारत में छाती पीटी जाती है, ओसामा बिन लादेन को अमरीका मार डालता है तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उसके जनाजे की नमाज होती है, 93 बॉम्ब ब्लास्ट में याकूब मेमन ने इतना कुछ कर दिया और उसके जनाजे की नमाज में सैलाब की तरह मुसलमान गए थे, तो उसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के भी कुछ समर्थक होंगे यहाँ पर, बिल्कुल होंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, हमारे जो भारत में अब जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लॉरेंस बिश्नोई का एक ही सिर्फ स्टेटमेंट है कि सलमान खान ने जिस एनिमल को वो भगवान की तरह पूछते हैं, जैसे हिंदूज जी, मैं समझ गया, गौ माता को वो गौ माता बोलते हैं और मुसलमान बड़े मजे में एकदम पर्दा की तरह झरने की तरह लगा करके उस जानबूझ करके वो बीफ जो है बेचते हैं और खाने की कोशिश करते हैं और कुर्बानी में भी गाय का गला काट करके फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, तो उसी तरीके से सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई जिस एनिमल को भगवान मानता था उसको पका करके खा लिया और कभी भी माफी नहीं मांगा। इवन जब ये बात लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये स्टेटमेंट सलमान खान के लिए गया था
तो सलमान खान ने उसको और भी रिवेंज और एक पर्सनल वेंडेटा के तौर पर सलमान खान उतरा था। अब सलमान खान का ये प्रॉब्लम है लॉरेन बिश्नोई के साथ, वो सलमान खान समझे और लॉरेन बिश्नोई समझे, इसमें हमारे भारत का में जो संविधान के हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई होती है वो हो रही है। क्या दो लोग नहीं अरेस्ट हुए, जो दो लॉरेन बिश्नोई के टीम के लोग माने जा रहे हैं वो तो अरेस्ट हो चुके, वो तो कानून की हिरासत में है भैया। ये मुसलमान मोहम्मद जिशान ही फरार है, अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आया है, अभी तक मोहम्मद जिशान को पकड़ नहीं पाई है पुलिस, पता नहीं कहां भाग गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सलमान खान बिग बॉस में जा करके मनोवर फारूकी जैसे लोगों को वो स्टार बनाने की कोशिश कर सकता है, सलमान खान जो सना खान से बहुत नजदीक नजदीकी रिश्ता है सलमान खान का, वो सना खान जो जिसका आपके पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील से जिसका बहुत अच्छा रिश्ता है, इवन उसने अपने बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रख डाला है, सना खान जो एक आतंकी संगठन से जुक्त है, तो ऐसे ऐसे लोगों को सलमान खान स्टार बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि हम जैसे जो भगत सिंह के समर्थक हैं, जो सरदार पटेल जी के समर्थक हैं, जो वीर सावरकर के समर्थक हैं, वो मैंने हमेशा सलमान खान का खुल करके विरोध किया है, हमेशा खुल करके विरोध किया है, क्योंकि मनोवर फारूकी को जब उसने स्टार बनाने की कोशिश की थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था, और जहां जहां पर जिस जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे सहूलत मिली थी मैंने सलमान खान का खुल करके अपफ्रंट होकर के वोकल होकर के मैंने विरोध किया था, क्योंकि मनोवर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया को बहुत डिफेम किया था, उसने हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को डिफेम किया है, मनोवर फारूकी ने हमारे आदरणीय गृह मंत्री को डिफेम किया है, मनोवर फारूकी ने हमारे आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर को डिफेम किया है, कौन होता है वो, और जब वो उसने ये कर दिया, वो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद फिर सलमान खान ने उसको स्टार बनाने की कोशिश में वो जुट गया, और भी कंटेस्टेंट थे जो अच्छे थे बेहतरीन थे वो जीत सकते थे, पर इंटेंशनली सलमान खान ने मनोवर फारूकी को जितवाया। आज हम बात कर रहे हैं यूएस और इंडिया के बीच जो है प्रीडेटर ड्रोन्स की डील होती है, ड्रोन्स इंडिया से खरीदता है जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 31,000 करोड़ बताई जाती है। 2018 से इंडिया और यूएस की डील चल रही थी और फाइनली ये डील डन हो गई है, यूएस सप्लाई कर रहा है। सर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया हमसे मुझे लगता है 200 साल की प्लानिंग से आगे चल रहा है, बजट लगा रहा है, लेकिन बजट उन चीज़ों पे लगा रहा है जो आज की जिद्दत की है, जो आज की टेक्नोलॉजी की है, जो कि इंडियन आर्मी को बहुत जो है ना ताकतवर बनाएगी, नेवी को पावरफुल बनाएंगी। प्रीडेटरी ड्रोन्स जिनकी आप बात कर रही हैं वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं और वो अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में अमेरिका ने यूज़ किए हैं। तो देखें पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा? पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक हाँ। है, और इंडिया को ये वो पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे, तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप जो है ना वो माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है, ठीक है, फ्रांस दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो सब जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उनको शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने हमें F-16 दिए हैं, आज तक हम F-16 से आगे नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका इंडिया को F-35 तक ऑफर करवा चुका है। अमेरिका जो है ना वो इंडिया के थ्रू इस रीजन के अंदर होल्ड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो देखें इस रीजन में मेन पावर कौन है, चाइना है, ठीक है, तो चाइना टक्कर देता है ना अमेरिका को, तो अमेरिका खुद चाइना से वो तो कर सकता है लेकिन उस वो अपना इधर एक डॉन जो है ना वो रखना चाहता है इस रीजन के अंदर, तो वो इंडिया है, तो इंडिया को वो टेक्नोलॉजी डॉन बनेगा, डॉन बना रहा है अमेरिका, डॉन बना रहा है हाँ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उनको मतलब ड्रोन्स दे के चीजें दे, हमने इंडिया से 300 जंगे लड़नी है कश्मीर के लिए, 300 जंगे तो बहुत दूर की बात है, अब 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा, अब दुनिया चेंज हो चुकी है, तो अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग करना, क्योंकि हम अपने मामलात में इतने उलझे हुए हैं, हमें रोटी कपड़ा और मकान से हमारी सोच जो है वो निकलेगी तो हम कोई और चीज सोचेंगे। दुनिया AI पे पहुंच गई, हम अभी कपड़ा रोटी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें AI जो है वो एक इनकलाबी जो है वो एक कदम है, और अमेरिका जो है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है AI
डॉक्टर जाकिर नाइक ने पिछली अपनी स्पीच में AI और फिर उसके बाद क्यों AI।